नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर सीलमपुर विधानसभा से। सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला शास्त्री पार्क एरिया, जहां पे विनोद जैन नाम के एक वो शख्स हैं जो समाज के लिए और समाज के हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं। उन्होंने पिछले कई सालों से समाज के लिए काम किया है, मगर आज उन्होंने अपने नए मंच का यहाँ पे शुभारंभ किया। जी हाँ, नई संस्था सार्थक मंच, नाम जैसा है वैसे ही इसके काम होंगे, यह आश्वासन विनोद जैन ने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इससे हर व्यक्ति और हर समाज के उस तबके तक पहुंचेंगे जिसको हमारे काम की, हमारे सपोर्ट की जरूरत है। और उनको बधाई देने के लिए, उनके इस नए कार्य क्षेत्र में एंट्री के लिए लोग बड़ी संख्या में बधाई देने पहुंचे, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो या किसी भी समाज से हो, बड़ी संख्या में लोग उनको बधाई देने पहुंचे और उनके इस कार्य की सराहना भी की और उनको कहा कि हमारा सपोर्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। विनोद भाई ने एक नए मंच की शुरुआत की है जिसका नाम सार्थक मंच है। सार्थक का अर्थ ही हर काम को पूरा करना है। और ये मंच राजनीतिक पार्टी के साथ साथ और भी अन्य दलों को साथ लेके चलेगा और इसमें अच्छा सहयोग करेगा। विनोद भाई पहले भी एक मंच से जुड़े हुए थे जिस मंच को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाया था, और हम विनोद भाई को इस बात की शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि विनोद भाई इस मंच को भी बहुत अच्छी तरह चलाएंगे। आपकी क्या राय है इस मंच पे कि ये मंच जिस तरीके से ओपन हुआ है, शुरुआत हो रही है इसकी, और शुभकामनाएं क्या देंगे और क्या कहेंगे इस मंच पे? सबसे पहले ये जो सार्थक मंच है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ विनोद भाई का कि हमें जोड़ा उन्होंने, और बहुत खुशी हो रही है। और ये जो सार्थक का सभी जान चुके हैं कि मतलब क्या है, तो अब बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। इसमें जो भी कार्य होगा लोगों की भलाई के लिए ही होगा, और विनोद भाई हमेशा अच्छे काम करते हुए आए हैं और मैं उनको यही कामना शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमेशा वो अच्छा ही काम करें और अच्छे करते आए। विनोद भाई की समाज में पकड़ एक सामने अच्छे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं वो, और ये चीज़ आप लोग देख चुके हैं कि इस टाइम कितने लोग उनसे एक आवाज़ पे जुड़े हुए हैं, एक सिर्फ नाइट पे कॉल करने से तो वो सब जुड़े हुए हैं, तो उससे पता लगता है कि उनकी समाज में पकड़ कितनी अच्छी है। बिल्कुल, हम सभी बहनों का पूरा सहयोग रहेगा और हम सभी बहनें उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं कि वो जिस सार्थक मंच को उन्होंने शुरू किया है वो हमेशा आगे बढ़े और अच्छे काम करें। विनोद जी को आप कैसे शुभकामनाएं देंगे उनके मंच के लिए जो आज उन्होंने शुरुआत की? विनोद भाई को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया, और जो सार्थक मंच का नाम रखा है उसका मतलब होता है सिद्ध करना। और मैं ऊपर वाले से यही कामना करती हूँ कि विनोद भाई को बहुत ऊंचाई तक लेके जाए सार्थक मंच पे, और उनके जो राजनीतिक में हैं उसमें भी उनको भगवान से यही कामना करती हूँ कि आगे बढ़े। और मैं विनोद भाई को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन मंच से हम लोगों को जोड़े और आगे ऐसे ही काम करते रहें। विनोद जी, आज जो ये आपने सार्थक मंच का यहाँ पे शुरुआत की है, ये क्या है, उसका क्या फायदा समाज को होने वाला है? सार्थक मंच की आज हमने शुरुआत की है, इससे समाज को काफ़ी फायदे होंगे। समाज में जैसे जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लिए हमारी संस्था सारा काम करेगी, बच्चों के लिए करेगी, लड़कियों की शादी के लिए करेगी, बुजुर्गों को दर्शन कराने का काम करेगी, इसलिए संस्था का एक वो किया गया है यहाँ पे। जैसा होता है कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, अलग क्या है संस्था का? आप हमारा अलग संस्था का यही है कि भाई हमें तो छोटे तबके को साथ लेके चलना है। बहुत से लोग कुछ करते हैं, हमें उससे कुछ नहीं, हमें तो ये है कि हमें छोटे तबके लड़के साथ चलना है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जिनमें फीस की प्रॉब्लम आ रही है, बुकों की प्रॉब्लम, किसी काफ़ी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, हम उस चीज़ को करेंगे। जैसे गरीब घर के अंदर जैसे कन्याएं बहुत हैं, शादी की प्रॉब्लमें आ रही हैं, हम वो शादी भी कराएंगे गरीब की। हमेशा फाइनेंस को लेकर दिक्कत रहती है संस्थाओं में, काफ़ी दिक्कत रहती है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? फाइनेंस की हमारी संस्था कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी हमारे इसके अंदर मंच के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सारे सब बढ़िया मेंबर हैं, कोई टेंशन नहीं है मंच के ऊपर, फाइनल की कोई वो नहीं है परेशानी। आप
यानी ये सबके लिए होगा और सबको साथ लेके चलने का काम है। ये सबके लिए, ये कोई ये नहीं पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए होगा, सबके लिए होगा। जैसे कहीं से हमें कुछ भी पता चलेगा कि यहाँ पे ये परेशानी आ रही है तो हमारी संस्था वहाँ पे काम करेगी। हमारी संस्था में सब जगह के लोग है, ये नहीं कि एक जगह के लोग है, सब जगह के लोग है इसमें। देखिए, एक तो नाम बहुत अच्छा है सार्थक, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और जैसा विनोद जी के विचार मैंने सुने, जहाँ कम वहाँ हम, गरीब शोषित जरूरतमंद तक पहुँचना इस संस्था का उद्देश्य रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी संस्था पार्टी के चक्कर में फंस जाती है, कोई ना कोई पार्टी का इशू आता है तो कोई किसी पार्टी को समर्थन देती है या पार्टी के साथ। यह जो आप देख रहे हैं कि जो आज मंच ओपन हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या राय देंगे आप? देखिए, वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ भी सभी दलों के लोग थे, और फिर भी मैं विनोद भाई को ये सुझाव दूंगा कि इन चक्रों में ना पड़े। जब संस्था हमने बनाई है तो समाज का काम करें, दलगत नीति से ऊपर उठकर। समाज को क्या मैसेज देंगे आप? समाज को तो मैं यही मैसेज दूंगा कि जो लोग संपन्न हैं, ऐसी संस्थाओं को, विनोद भाई ने जो संस्था खोली है और भी संस्थाएं चल रही है, उनको समर्थन देना चाहिए, अपने यथासंभव जो सहयोग दे सकते हैं देना चाहिए, ताकि क्योंकि केवल सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, आम लोगों को सामाजिक संस्थाओं को बाहर निकलना पड़ता है और लोगों को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए सबको उसका समर्थन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो आज सार्थक मंच यहां स्टार्ट हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? सब फायदा होने वाला समाज को? हाँ, इससे बहुत फायदा होगा समाज को। कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको कि समाज इससे जुड़ेगा, समाज में अच्छे कार्य होंगे? विनोद भाई के साथ लगभग पहले ही काफी लोग जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत लोग जुड़ेंगे। एरिया में जिस तरीके की छवि है विनोद भाई की, उसको देख के आपको लगता है कि बहुत जल्दी गेन करने वाली संस्था है? हाँ, तरक्की करेगी।